हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोगों को मेरी एनर्जी से लग रहा होगा कि बहुत डाउन हूँ। तो हाँ, ऐसा है। रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। फाइनली आप देख सकते हो, ये नीचे आपको पूरी स्क्रैच दिख रही होगी और ये डेंट है ना, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, ये वाला डेंट। तो भाई, कार का एक्सीडेंट हो गया है और गलती हमारी बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जैक्टली हुआ क्या था। अच्छा, काफ़ी लोग ना मुझे बोलते हैं कि ये जो मेरा बम्पर प्रोटेक्टर है पीछे वाला, इसे हटवाओ, इससे लुक्स बहुत ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल मैं अग्री कर रहा हूँ, इससे लुक्स ख़राब होते हैं कार के। लेकिन भाई, अगर ये ना होता ना, तो पता नहीं क्या इम्पैक्ट होता कार पे। क्योंकि हुआ क्या, कार ने पहले, उस वाली कार ने यहाँ हिट किया। ये आप देखो, ये स्क्रैचेस आपको दिख रही होंगी इस पर, ये देखो आपको अब दिख रही होंगी इजीली। ये यहाँ पे कार ने हिट किया, देन ये पूरा अंदर हुआ और ये यहाँ पे रगड़ा गया। ये बम्पर प्रोटेक्टर लगा था यहाँ पे। अगर ये नहीं होता तो मेरा पूरा बम्पर भी ख़राब होता और ये जो डेंट है और बड़ा हो सकता था। अब भाई, मुद्दा ये है कि ये हुआ कैसे। हुआ ये ऐसे, मैं ट्रैवल कर रहा था और स्टार्ट स्टॉप वाला ट्रैफिक था, ठीक है। मेरी बदनसीबी आप बोल सकते हो, उस स्टार्ट स्टॉप वाले जो ट्रैफिक में सबसे पीछे जो गाड़ी थी वो हमारी थी, हमारी अल्ट्रॉस। तो भाई, उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने जैसे ब्रेक लिए तो पीछे से एक अंकल आ रहे थे, काफ़ी एज उनकी होगी, आई थिंक 65-70 के आसपास होंगे, और वो अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे। भाई, या तो उन लोगों ने देखा नहीं कि आगे कार्स रुकी हुई हैं, और क्या हुआ कैसे हुआ, उन्होंने आके पीछे से गाड़ी में टक्कर मारी। मतलब ये बिल्कुल भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था कि चलती चलती रोड पर बहुत तेज़ ब्रेकिंग हुई या कुछ भी ऐसा हुआ और कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। एक्सीडेंट में सिर्फ यही हुआ, मेरी कार स्टार्ट स्टॉप वाले ट्रैफिक में थी, मैंने कार के ब्रेक लिए, और मैं जब ब्रेक लेता हूँ कार की तो उस हिसाब से लेता हूँ कि भाई आगे पीछे देख के थोड़ा। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा पीछे से रुकी हुई कार में उन लोगों ने पीछे से टक्कर मारी। अब होता क्या है यार, ऐसी जगह पर ना आप कुछ बोल नहीं पाते किसी को, और जब वो भी तब जब ओल्ड एज लोग कार में बैठे हुए होते हैं, तो भाई वहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल पाया उन्हें। और बोलना तो छोड़ो, मैं कार से नीचे भी नहीं उतर पाया कि मैं कार से नीचे उतर के भी एटलीस्ट उन लोगों को बोलूँ। लेकिन यार, लोग इतने बदतमीज़ हैं आज के टाइम में। मतलब उन्होंने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो ना, जब मेरे से बाकायदा उन्होंने बाद में मेरे से कार आगे निकाली और वो गए आगे, इतनी कर्टसी हो कि ठीक है शीशा उतार के एक बार बंदे को सॉरी बोल दें कि भाई हमारी गलती है, तो वो चीज़ तक भी नहीं बची है। तो भाई, कार से टक्कर कौन सी कार से हुई, तो वो डिज़ायर थी पुराने वाली, मतलब जो पहले जनरेशन आती थी ना 4 मीटर से लंबे वाली, उसके बाद जो जनरेशन लॉन्च हुई थी, सेकंड जनरेशन आप बोल सकते हो, वो वाली डिज़ायर ने पीछे से टक्कर मारी। और उसमें भी अच्छे खासे, मतलब हुआ क्या, उस अब डिज़ायर क्या है मारुति, तो यार आपको पता ही है, लगी तो फिर तो उस हिसाब से दिखेगी कि पता नहीं क्या ही हुआ था। उस हिसाब से उनका भी आगे वाला जो बम्पर होता है और जो थोड़ा उनका बॉनेट है वो भी बेंड हो गया था। लेकिन वो उन्होंने ना तो उन्होंने ब्रेक लिए, ना उन्होंने ज़रूरी समझा कि भाई दूसरे की कार में आपने टक्कर मारी है तो एटलीस्ट एक सॉरी बनता है, और वो भाई साहब निकल गए वहाँ से। तो जी, एक तो ये न्यूज़ है कि हमारी कार का पहला एक्सीडेंट हो गया है। अब मुझे इतना बड़ा ये नहीं लग रहा कि जिसे ठीक कराया जाए और इंश्योरेंस क्लेम लिया जाए या कुछ भी ऐसा करा जाए, ठीक है, छोटे मोटे हैं चीज़ें, अब ये होती रहेंगी यार, कार रोड पर चलेगी तो ये लगेगी भी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। तो मैं इतना सीरियसली इसे अभी नहीं ले रहा हूँ कि मैं इसे जाके शोरूम पे चेक कराऊँ और ठीक कराऊँ। तो ठीक है, चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं यार, और थोड़े बहुत हल्के फुल्के डेंट होने भी चाहिए, मेरे पापा बोलते हैं ये एक तरीके से काला टीका समझ लो, कार बिल्कुल साफ़ सुथरी नहीं होनी चाहिए, तो ये एक उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो मानते हैं लोग मानते हैं। अब भाई, ये तो चलो ठीक है, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है भाई हो गया, या अंकल ने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, या कुछ भी हुआ, कोई भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और हो रही है कार के साथ भाई, जो कि बड़ी गलत है, और ये तब से हुआ है जब से हमारी कार में ये पीछे ब्रांडिंग हुई है हमारे चैनल की, ये वाली, तब से पता नहीं यार लोगों को क्या इतनी
मतलब एक सॉर्ट ऑफ जंगली बना सा हो गया कि भाई इसकी कार तो ख़राब करो, इसकी कार तो ख़राब करो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो होती हैं स्क्रैचेस, स्वेल मार्क्स हो जाते हैं जैसे आप कार साफ करवाते हो, तो देखो ये आपको दिख रहे होंगे। अब देखो कार सफाई वाले भी कमाल होते हैं, ये देखो ये स्क्रैचेस सारी उन्होंने भाई साहब ने किए। अब एक होते हैं कुछ लोग ऐसे जो ये करते हैं, ये दिख रहा है आपको बेटा, ये पूरा उन किसी बंदे ने बेसमेंट में पार्किंग में पता नहीं किस बात का गुस्सा मेरी कार से निकाला है। अब देखो अब ज़्यादा क्लियर दिख पाएगा, ये बकायदा चाबी से किया है, और भाई एक एक जगह नहीं है ऐसा, ये देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये बकायदा चाबी से बनाए हैं। तो भाई साहब ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो कार के साथ ये सब करते हैं। मुझे समझ नहीं आता यार, कोई भी बंदा है इस दुनिया में यार, बड़ी मेहनत से कार खरीदता है, बहुत मन से कार खरीदता है, वो ऐसे स्क्रैचेस लगवाने के लिए या ये सब कराने के लिए कार नहीं खरीदता। एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, लोग कहेंगे यार ये तो हो जाता है, अब तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। भाई ये क्या है, ये देखो, देख रहे हो आप, बकायदा पूरी चाबी चलाई है बंदे ने, यहाँ चलाई फिर यहाँ चलाई और ये यहाँ से ये भी फाड़ दिया, मैंने आपको दिखाया था ना एक वीडियो में, बकायदा चाबी से किया किए गए हैं ये काम, मतलब इतनी सनक। अब हुआ, मैंने ना रिसेंटली एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे प्रथम शौकीन की, तो प्रथम की वर्टस में किसी ने यही सारे काम किए बहुत छोटे टाइम में, तो मैंने कहा यार पता नहीं, मतलब मैं ऐसे लोगों से, मुझे इतनी चिढ़ थी कि मैंने कहा यार क्या लोग होते हैं, कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं, क्या करते हैं ये उल्टे सीधे काम, किसी की गाड़ी ख़राब करके क्या मिला यार, ये भी किसी तरीके का सेटिस्फेक्शन होता है क्या? भाई मेरे हिसाब से तो ये कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता किसी भी लेवल का, ये पागलपन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उनकी कार पर यही हाल हुआ, और रिसेंटली अब मैं अपनी कार देख रहा हूँ तो भाई इस कार पर भी लोगों ने ये वाले काम शुरू कर दिए। तो यार कोई इंसान कार खरीद रहा है इतनी मुश्किल से पैसे खरीद, भाई सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करता है, तो भाई ऐसे तो किसी की चीज़ ख़राब मत करो ना, जैसी चीज़ आपकी अच्छी है ऐसी चीज़ सामने वाले की अच्छी है, तो भाई इतना क्या चिड़न, इतनी क्या प्रॉब्लम्स है। अब उसके बाद बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, अब मुझे पता है कमेंट्स के आने वाले हैं, भाई तेरी गलती है तूने डार्क कार क्यों ली। अब वो वाली मेंटालिटी के जो चाबी चलाते हैं ना, वो अब ये सारे कमेंट्स करेंगे, भाई साहब डार्क कलर की कार लेना मेरी चॉइस गलत नहीं है, अगर चॉइस गलत होती या इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती तो ब्रांड्स कार ही नहीं बनाते डार्क। भाई साहब दिमाग लोगों का ख़राब है, काया चाहे कार वाइट कलर की हो, चाहे सिल्वर कलर की हो, चाहे ग्रे कलर की हो, चाहे ब्लू कलर की है, चाहे रेड कलर की है, चाहे ब्लैक कलर की है, भाई साहब जिसका दिमाग ही इतना ख़राब है कि वो दूसरे की कार पे चाबी से डिज़ाइन बना रहा है, उसके दिमाग का आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ गलती मेरी नहीं है कि तूने डार्क कलर की कार क्यों ली, भाई मेरी चॉइस बिल्कुल सही थी, मुझे जो पसंद था मेरे पैसे थे मैंने ख़रीदा, बट ये जो है ना ये पागलपन है। अगर ये मैं अपनी कार पे खुद करूँगा ना तो ये मेरी चॉइस होगी, लेकिन दूसरे की कार पे करूँगा तो ये पागलपंती होती है। तो ये बेवकूफ़पना लोग करने लग गए हैं भाई इस कार के साथ भी। तो यार यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई देख लो हो गया है पहला, तो ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो ही गया है एक एक्सीडेंट होके, बाकी ठीक है। ये है डेंट, है ये वाला एक डेंट आया है। अब हुआ क्या यार, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना उस दिन मैं एक मीटिंग में जा रहा था, उसके बाद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मीटिंग से आके मेरे दिमाग से निकल गया मेरी कार ठुकी है। फिर मैंने जब नीचे ध्यान दिया तो मुझे ये लगा ये ना ये बिल्कुल टच हो रखा था, तो ये वाला ये जो आपका बम्पर है ये वाला बम्पर प्रोटेक्टर ये टच हो रखा था, तब मेरा ध्यान गया कि यार ये तो बिल्कुल टच हो रहा है, तो मैंने ठीक कराया। और रात में क्या होता है ना, रात में बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं ये सब कार्स, तो ये ना एकदम से दबा हुआ मुझे एकदम दिखा, मैंने कहा यार ये तो मतलब नुकसान अच्छा खासा हो रखा है। अब यार देखो नई कार है उस पर डेंट आ जाए तो यार देखो दुख तो होता ही है, बुरा तो लगता ही है, वही मेरे साथ हुआ। तो भाई यही था आज की वीडियो में, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, कैसी कैसी मेंटालिटी के लोग भी देश में रहते हैं, तो ज़रूरी है ऐसे 10-12 पागलों के पास भी ये वीडियो पहुँचे ना तो उन्हें शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करने से पहले। तो टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ़।